नन्ना काका, उतना नहीं है भाई, तू को स्कूल जाना है। मीना ने उतने कैचे उल्टा उल्टा बोला, सब कुछ फेंक रखा, ब्लैंकेट सब फेंक रखा उल्टा उल्टा करके। मैं छोने मुना खदौले बेटा, स्कूल नहीं जाना, चलो खाना खाओ, दादी बुला रही है, चलो उतो गतप। नोनू नोनू, इतनी गहरी नींद, इतनी गहरी नींद में नोना को होगी, इतनी गहरी नींद। और खदा ले बेटू, चकूल जाना है तुम्हें। नोनू मम्मा से पाल नहीं करता, देखना देखना बोलेगा। नोनू मम्मा से पाल नहीं करता, ऐ नोनू पाल नहीं करता मम्मा से, नहीं करता मम्मा, रोई रोई करेगी फिर। नोनू पाल नहीं करता मम्मा से, ए कलते कितना पाल कलता है नोनू मम्मा से। आई लव यू नोनू, बोलो जय माता दी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, लादे बेतू। अरे कुछ तो बोलो भी, मेरा बेतू चला गया स्कूल और मैं दे रही हूँ यशवी को जूस निकाल के। तो ये देखिए, मौसमी ऑरेंज दोनों ले लिए मैंने और उसको जूस दूंगी अभी। डॉक्टर ने अभी ना उसको बता रखा, क्योंकि वीकनेस है काफ़ी, तो जूस के लिए बता रखा, इसलिए घर में ही बना हुआ देते हैं हम लोग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो सारा काम हो चुका है आज, ब्रेकफास्ट मैंने कुछ नहीं किया है। सुबह क्या लिया था मैंने, बस चाय ली थी आधा कप, और क्या लिया था बस, मैंने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, बस एप्पल लिया था, वो भी मैंने नोनू का रखा था ना एक, उसमें से इतना बच गया था बस, वही अभी लग रही है भूख बहुत तेज़। तो आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि यशवी पीछे पड़ी है कि मम्मा मेरी ड्रेस दिला लाओ आज, तो यशवी की भी ड्रेस लानी है मेरे को पहनेगी वो भी। तो यशवी के घर भूत सवार है सर पे कि वो सूट पहनेगी, सूट मतलब ड्रेस जैसे शरारा टाइप या फिर स्लीवलेस नीचे शरारा कुछ या फिर पैरलर टाइप, तो वो देखूंगी उसका। और आज मैंने उसके नीचे से थोड़े थोड़े हेयर भी कट भी कर दिए हैं, तो क्योंकि उसके ना इलेजर रहते थोड़े से, जैसे नहा के आते थे ना हेयर वॉश करके, तो इसलिए मैंने हल्के हल्के काट दिए उसके। तो बस मैं पहले जाऊंगी और फिर मिलूंगी आप लोगों से, बहुत तेज़ भूख लग रही है अभी, कहाँ जाए सारा बस निकलेगा अभी। 12:30 हो गए हैं टाइम, 12:30 पौने 1 ही हो गया, तो नोनू भी आता ही होगा और मैं भी जाती हूँ फटाफट किचन में। थर दोनों आते पहले वही चिल्ली मार देगा दूर से ही, चिल्लाता होगा दूर से ही, थर दोनों आते चिल्लाने तो पहले ही। धीरे पानी है सैंडल निकलवा चाचू से। नोनू कहाँ गया था, स्कूल गया था देखा। तो गाइस हो गया है लंच हम लोगों का, और लंच तो काफी देर होगी, टाइम बच गया 3। तो आज मैंने लंच में क्या लिया था, बस दाल रही थी वो भी आधी कटोरी, और वो भी मैंने पानी मिला के ली थी बॉइल करके, आप लोगों को पता ही है। तो अभी मुझे लगी थी भूख, तो मैं लाई हूँ पीनट्स, और मैं इसमें घी में फ्राई नहीं, बस खाली वैसे भून के लेके आई हूँ रोस्ट करके। तो मम्मी गई अभी कैंटीन, और यशवी की ड्रेस लेने जाएंगे शाम को, तो यशवी यहीं बैठी है, बोल रही है मेरी ड्रेस दिला के लाओ। ड्रेस लाएगी बेटा मम्मी, आज मुझे एक और सूट दिलाएगी, बोल रही है मम्मा मेरे को सूट सलवार दिला के लाओ, जब टाइम आएगा ना तब पहने भी नहीं बेटा तू सूट सलवार। अभी शौक चढ़ रहा है इसे कि सूट सलवार पहनना, तो मैं एक ड्रेस तो दिखा के, ट्रेडिशनल ड्रेस हो जाएगी वैसे भी। जब चाची की गोद भराई होगी ना तो मैं सूट पहनूंगी। अच्छा आज ठंडी होगी या फिर बोल लाऊं तो सूट सलवार ही लाऊं, मैंने कहा ठीक है पर जब टाइम आएगा तब बच्चे नहीं पहनते, अभी लग रहा है लोगों की सूट सलवार अच्छे लगते, सूट सलवार अच्छे लगते हैं। फिर जाऊंगी यशवी के दिलाने, मम्मी आ जाएगी तब तक, शाम तक 5 बजे तक। एक्चुअली अभी गए हैं वो लोग, 15-20 मिनट ही हुए निकले हुए यहाँ से, तो आएंगे तो तक 5 बज जाएंगे, और सामान वामान सेट करके उसके बाद निकलूंगी फिर मैं भी, तो दिला ही लाऊंगी उसको एक ड्रेस। तो गाइस हो गई है शाम, टाइम हो गया 6, मम्मी अभी नहीं आई अभी तक, और मैं अपना दलिया बना के लाई, दलिया लान के आएंगे ओट्स, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी यार। आज मैंने सिर्फ दाल दाल खाई थी, और मैं आ गई हूँ हॉल में, तो अंजो आ जाए यहीं पूरे कर लेना। नोनू के बिस्किट खा रहे देख लो आप लोग, क्रीम क्रीम खा गया सारे बिस्किट की, बिस्किट छोड़ दिए बाकी यहीं पे। यशवी खा रही है बिस्किट, उठ गई मैं लड्डू, और यहाँ मैं लेके आई मेरा दलिया, ये आ गया कुक का, जसोक स्लैप नहीं पहना दूँ, ठंडी हो रखी हवा चल रही है बहुत ठंडी। तो यशवी की ड्रेस आई नहीं है, मैं बता दूँ आप लोगों को, यशवी सो गई थी, बोल रही है वो मैं ड्रेस कब आएगी, मैंने कहा दादी आ जाए तब जाएंगे लेने के लिए,
तो देखते क्या होता है, क्या कैंटीन का सामान सामान काफ़ी आएगा, वो भी सेट करना पड़ेगा पूरा। तो दिखाऊंगी क्या क्या आया है, लाएंगी मम्मी। यहाँ पे बैठ गया कुका, मैंने चाय रखी है अभी, तो थोड़ी देर में लूँगी चाय अपनी। यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा पूरा, उधर लूँगी चाय पहले। यहाँ पे आ गया सामान और बहुत सारा सामान आया अभी, बाकी तो अभी आया भी नहीं, आधा ही है, तो मैं वही वीडियो ले रही थी। और ये सामान सारा सेट मैं ही करती हूँ क्योंकि ये काम मेरा ही होता है ज़्यादातर। मम्मी ऐसा पेट हाला ही, कैंटीन का ही भरा पड़ा सा 8,000 है, ये 5,000 है। तू क्यों बैठ गया यहाँ, सब्जी तो अभी सही कर रहा हूँ। हाँ ये इतना मैं ये लगा दूँ, है रूम में जो चाहिए वो मैं काटूंगी। पाउडर खत्म है, ये बिल्कुल खत्म है। एक फेयर लवली दे दे, मैंने बहुत 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 दुखी हो रखे फेयर लवली बिना। अभी तो निकाली इसमें ये रही। कपे आए क्या तेरे, मैंने तो देखे ही नहीं, जुड़िया ही जुड़िया भर गया घर में। अब तो क्या लिख रहा है इस पे, दादी तो सही मैचिंग की लाई है। ओ डेड पार्टनर इन क्राइम, नोनू के कपे आएंगे। अच्छा कैसे लगे नोनू को, अच्छे पे बेतु के। अब तो यही हो रहे सारे डेली यूज में, सही है। हे गाइस, हो गया है नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 11:15 और आज मेरी बिट्टो स्कूल गई है, यशु को भेजा है मैंने स्कूल। तो टीचर से मना करवा दिया था कि इससे कोई एक्टिविटी मत कर, और डॉक्टर ने तो इस वीक भी बिल्कुल ही मना कर दी थी, बट मैंने भेज दिया क्योंकि वो भी बोलती मम्मा मुझे स्कूल टीचर की बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रही, तो इसलिए यशु भी गई है और नोनू भी गया है, तो दोनों एक साथ ही आएंगे स्कूल से। और बस मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कल यशु की शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया था और उसको सेट करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो वहाँ पे हम लोगों का 8 खाना भी खाते खाते हम लोगों को 10 बज गए थे, तो काफ़ी सामान वो सेट किया। तो आ जाएंगे यशु की शॉपिंग करने, और शायद क्या रहेगा वो सस्पेंस रहेगा, मे बी मैं दिखा भी दूँ क्योंकि मेरे पेट में ना पस्ती नहीं है, यूँ लगता है कि बस मैं दिखा दूँ फटाफट ब्लॉग में, जैसे भी रहेगा है ना। तो बस मैं नहा के आई हूँ और मैंने आज ये वाला कड़ा चेंज कर लिया। आप लोगों को देखा था मैं बहुत सारी चूड़ियाँ लेके आई थी, मम्मी के से आई थी तब, तो ये पहन लिया। और बस आज नाश्ता कुछ भी नहीं किया है, चाय ली थी आज, ग्रीन टी भी नहीं, वो ग्रीन टी तो नहीं, मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ पता आप लोगों को, वो भी नहीं ली मैंने, तो बस चाय ली थी और क्योंकि सर दर्द हो जाता बिना चाय। और श्रावण चल गए हैं है ना, तो आपके बार 2 महीने के हैं, तो ये व्रत तो मैं हमेशा रखती हूँ, और सोमवार के मतलब पूरे महीने के नहीं, तो अभी बार 2 श्रावण है, तो 8 या 9 व्रत पड़ेंगे मतलब सोमवार के, तो वो भी मैं रखूँगी। और इस वीक से शायद स्टार्ट है ना मंडे से आपकी बार, तो वो भी रखने हैं भोलेनाथ जी के। मैं तो बहुत मानती हूँ, मैंने सोमवार के व्रत बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। तो बस अभी मैं जाऊँगी, तो पहले देखती हूँ चोटर पोटर कुछ खाने का, तो क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, और मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। 1.5 महीना हो गया घी खाए, मतलब रोटी पर भी रखे चुपड़ी हुई, और 1.5 महीना हो गया चीनी खाए, 23 तो शुरू करा था, अब होंगे 1.5 महीना, 2-3 दिन बाद हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। जो इंसान जितना घी था इतना प्यार रोटी मैं रोटी पता कैसे खाया करती, पूरा मतलब घी में एकदम रोटी रख कर, रोटी पे घी रख कर पूरी, पर अब छोड़ दिया, देखते अब कितने दिन छूट पाएगा हमसे, जितने दिन छूटेगा उतने दिन हम डाइटिंग करेंगे बस। हाँ कंटिन्यू तो जो रखूँगी, अब जब इतने दिन हो गए शुरू हो या फर्क अब दिखने लगा, तो 6-7 महीने तो कंटिन्यू रखूंगी। सो गाइस, हो गया लंच हम लोगों का और टाइम बच गए 3, तो मैं सोची थोड़े सो लेती हूँ, बट बच्चे कहाँ सोने देते हैं यार, ये फुल मस्ती में आ रखे हैं दोनों के दोनों। तो ये देखिए क्या कर रहे हैं दोनों, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ ना यशवी और नोनू ने अपने पूरे वॉच और गोगल निकाली है, ये देखिए चश्मे अपने, तो ये देखिए एक वॉच उधर भी पड़ी है, तो यशवी के ही है ज्यादा इसमें, नोनू के तो कम है, मेरे नोना काका के कम है। तो ये और नोनू का गोगल कौन सा, ये वाला, ये बाकी सब ये वाली जितनी है ना सब गोगल और ये वॉच। तो यशवी के चश्मे तो हैं कितने, 3 है। और 2 चश्मे और थे वो कहाँ गए तेरे, और यशवी के पास वॉच देख लो कितनी है, 5 वॉच इसने इसमें रख रखी है, और बाकी इसने इधर उधर भी कर रखी है 3-4 वॉच। और नोनू के पास नोनू की चीज़ें आती है और नोनू तोड़ देता है, नोनू के पास ये बनती, ये क्या कर रहा है कुका, व्हाट आर यू डूइंग बेबू, टेढ़ा लगाया वो। तो ये देख लो यशु ने अपने निकाल लिया उधर, और नोनू ने रख लिए अपने इधर। हाँ नोनू के पास वॉच 2 है, एक ये ट्रेन में दिलाई थी, और ये सच में सीरियसली इतनी अच्छी निकली, अभी तक भी ये वॉच चल रही है, देखो ये लो
पल्लवी बुआ भेजती रहती है बेटा। क्या तो गाइस यहाँ हो रही है पल्लवी बुआ की तारीफ। पल्लवी बुआ को आपने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में, वहाँ रखी थी, यहाँ पे इनकी छोटी बेटी भी थी। तो पल्लवी दीदी ने भेजे इनके लिए गिफ्ट और ये हो गया। कुछ बच्चों को यही चाहिए होता है तो। हाँ क्या खोल के तो दी अभी। गाइस टाइम हो गया है 5:15 और मैं हो गई हूँ रेडी। आज ये वाली कुर्ती आ गई थी वेयर करी थी और मैं जिस टाइम पहनी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो अभी हो गई है थोड़ी सी लूज़ और काफ़ी अच्छा लग रहा पहनने में, क्योंकि मुझे तो टाइट फिटेड कपड़े पसंद नहीं है, थोड़े से लूज़ लूज़ रहे ना वही अच्छे लग रहे हैं। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ, मैं अभी तो सो रहा है यहाँ पे तो निकल रहे हैं फटाफट। और बहुत बारिश इतनी तेज़ आ गई है, बस क्या ही बताऊँ। और अंजू है ये लड़की, जाने का नाम ही नहीं ले रही। मैं यशी कब से रेडी है, यशी रेडी कर दी मैंने, तो निकल रहे अभी। और आज अपने हेयर का भी पता करके आऊँगी यार। तो पिछली बार मैंने कराई थी ना हेयर स्ट्रेट और कलर करवाया था, तो काफ़ी जगह बाद में 2-3 जगह पता करा तो वो लोग कम ले रहे थे। और मैंने ये जब 18 या 19 हज़ार में कराए थे, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 1-2 जगह लैक्मे पे या फिर इन पे ना हबीब पे पता कर लेती हूँ। पहले मैंने हबीब पे ही कराए थे, तो क्या रहता कैसे क्या रहता वो भी जाऊँगी, तो इसलिए मंजू को लेकर जा रही हूँ साथ में। तो यशु की ड्रेस भी लानी है और वो भी लानी है, तो चलते हैं देखते हैं पहले अंजू कब तक तैयार होती है। और ये वाली देखिए अब अच्छी लग रही है, थोड़ी सी लूज़ लूज़ होगी ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, तो निकलते थोड़ी देर बाद। यशु आप संभाल लेगी तना अगर नहीं चल रही तो। कब से तैयार बैठे हैं वहाँ बेटी, यशी वहाँ रेडी कर रखी है, बेबी रेडी, पर ये लड़की नाम नहीं ले रही जाने का, नहीं जाइए आज ये। 6:30 बजा दिया, 5 बजे का नाम लेके। यार सोचो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए। तैसे नहीं कह रही मैं, ओके स्ट्रेट कराऊंगी तो यहाँ तक आ जाएंगे मेरे। तो चल रही सब पहले नूनू जगह, पानी है नीचे तो। अब मेरी बिंदी सूट हो रही है इस पे ना, ब्लैक ब्लैक सब पे चल रहा है। नहीं 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 यू डोंट हैव एनर्जी, यहाँ से ना बेटू आ जा। तो आज जो हुआ ड्रेस तने भी लग रही थी कि छोटी है यशवी का, बारिश आ रही है भाई। यह ड्रेस याद है मेरा पहला व्लॉग इसी ड्रेस में गया था। हाँ जी यह ड्रेस याद है तुम्हें, मेरा पहला व्लॉग इसी ड्रेस में गया था। नॉट गेट सोचती पहन रही थी। ओ वाओ अंजू क्या बात है, तुमने कपड़ा खाका वाओ। अरे यार ड्रेस आ रही है मेरी, तुझे नहीं पता बेटू कौन सा पहना के, तू आती नहीं है क्या यहाँ पे? जल्दी 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 जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। अंजू डस मत, देख ड्रेस लेकर आ रही हूँ, टाइम लगेगा। आ जा श्री, वो भी देखते ना रे वाला भी। ये पिंक दिखा दो भैया, मैं मातारी मानेगी नहीं। पैटर्न अच्छा है इसका भी, इसमें पिंक नहीं है इस पैटर्न में। यार मैं सोचे थोड़ा सा तो अलग ले ले, सारे पिंक पिंक क्या करेगी ये? प्लीज फिर ड्रेस पिंक नहीं है भाभी, तो तू पिंक ही दिखाओगी। तो अभी यशु की ड्रेस लेने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो सब्जी लेनी थी, टमाटो खत्म हो गए थे घर में, मम्मी बोली लेके आना, मैंने कहा ठीक है। टोस्ट का पैकेट, काफी चीजें बताई थी तो वही ले रहे हैं हम लोग रस्ते में रुक के। सो गाइस रुक गए हैं रस्ते में और पानी पूरी खा के आया। मेरा इतना मन था पानी पूरी खाने का, बस बहुत ही ज्यादा। यशु को बैठा दिया यहाँ पे और यशु के आज मैंने बरारा चिप्स दिला दिया, काफी दिन से इसका मन हो रहा था कि कुछ खाऊं खाऊं, तो बस इसी चक्कर में। तो अभी जाएंगे यशवी की ड्रेस चेक करानी है, डाली हुई थी वो बहुत ज़्यादा लेंथ ही था उसका, लंबा था पजामा, तो वो ठीक हो गया, उनकी कॉल भी आ गई, तो हम लोग सोच रहे कि लेके जाएंगे। और हेयर का भी मैंने पता कर लिया है, सेम ही प्राइस है यार, कोई कम नहीं है। मैं सोच रही थी 2-3 जगह देख लेती हूँ किसका क्या रहता है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से ही। तो अभी खाइए पानीपुरी, अंजू आती होगी, SPDP और मंगवाई है हम लोगों ने, तो बस वो खा के निकलेंगे, यशवी की ड्रेस लेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। नोनू भी जग गया है और कहाँ रहेगी अंजू, थोड़ी देर बाद मिलेंगे घर जा कर। यशु बुआ गुम होगी अपनी, दिखी नहीं रही मेरे को बुआ कहाँ गई। यशु को भी टेंशन, बुआ गुम होगी। अरे यही है बुआ, बेटू शॉप पे होगी किसी पे।
कहाँ को रह गए थे तुम? अरे खाखरा ले थी। ओह माय गॉड, खाखरा नहीं आती मेरी, पूरी पूरी खा गई। ये खाने का मजा ही अलग है। ये पानी पूरी इतना जाइए ना इसमें। उन्होंने तो अपनी ड्रेस दिखाएगी। तो यहाँ आ गई है यशवी की ड्रेस, और यशवी लाई है ये वाली बेबी पिंक पीच मिक्स सा है। दिखा बेटा, अरे दीदी तो बहुत अच्छी है, देखो दादी को भी दिखा देना, दादू को दिखाया था, दादू को कल बात पीने दो, पानी मस्त है, बंद करके लेके जाएगी। अब देखिए पूरा फिनिश कर वाले। नोनू क्या खा रहा है? पापा क्या कैसे लोली मुबारक कितने ये। सो गाइस पहुंच गया घर, और हेयर का देखती हूँ यार क्या कराऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कराई लो भी, पर अभी मेरा फिक्स नहीं है, बट मैं पता करके आई दो तीन जगह। और यहाँ आ गया था मेरा मिंत्रा का पार्सल, तो एक कल आया था वो मैंने रिटर्न डाल दिया, इतना गंदा था, उसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई, बस देखा था कि कैसा आया कैसा नहीं। तो यशवी होगी खुश, दोनों खा रहा है लॉलीपॉप यहाँ पे। तो दिखाती हूँ, ये मैंने मंगवाया था टॉप, तो इसकी भी शॉर्ट वीडियो नहीं बना रही इसलिए व्लॉग में ऐड कर रही हूँ, तो दिखाऊंगी कैसा आया, मैं भी देखती हूँ। तो ये मंगवाया मैंने रेनबो टाइप कलरफुल टाइप एकदम टॉप, तो कपड़ा अच्छा है इसका, ये मैं रखूँगी। और ये मैंने ना काफ़ी दिन से मेरे कार्ड में ऐड कर रखा था, तो मैंने मंगवा ही लिया। और ये देखिए ब्लैक या रेड प्लाजो पे, कोई पैंट पे, किसी पे भी चल जाएगा, जींस पे। तो गाइज यहाँ चल रहा है यशवी का होमवर्क, और यशवी की हैंडराइटिंग दिखा दो आप लोगों को, ये देखो कितनी क्यूट हैंडराइटिंग है मेरे बिट्टू की। और वहाँ देखो नूनू का चल रहा है काम, तो यशवी की आ गई है ड्रेस, वो रखी। मैं यशवी को बोल रही हूँ, यशवी थक गई बेचारी, 100 तक काउंटिंग थी, इंग्लिश का भी करा यशवी ने काम, और उस काफ़ी दिन बाद स्कूल गई थी। मैं बोल रही ला मैं कर दूँ, बोल रही है मुझे डॉक्टर बनना है, मम्मा बड़ा होके खुद से करना है ना यशवी। सो अगर टाइम हो गया 9, और डिनर भी हो गया, डिनर भी बनाई थी आज इडली, और आज हम लोग पानी पूरी खा आए थे बाहर से, और ये अंजू ने फिर वो SVDP वो भी दही पूरी वाली बनवा ली, फिर दो वो भी खा ली, मैंने दो इडली खाई आके अभी। तो बस करूँगी व्लॉग का एंड, क्योंकि हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी। जो भी मेरे चैनल पे नए हो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो का यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आगे, तो जय माता दी, बाय बाय।